दोस्तों, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या व्लॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं या सिनेमैटिक वीडियोस बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन से, तो आपके पास ऐसा एक इक्विपमेंट होना चाहिए जो बहुत ही कमाल का हो, छोटा सा हो और आपको सारा सारा काम करके दे दे। तो आज मैं आपके लेके आया बहुत ही कमाल का इक्विपमेंट, और भाई खुद परचेस किया, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड, और इसका क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है व्लॉगिंग के अंदर, और आप इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हो, और बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। सब कुछ डिटेल देने वाले हो इसके बारे में, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सुबह टाइम वेस्ट किए, चल इस बार स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे है ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड, और इसका नाम है मोबाइल लाइफ, मोबाइल लाइफ लिखा हुआ है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपने लिए बाय किया है क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी मैंने सोचा की जाए। क्या इसका प्राइस है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो मैंने यार इसको पहले ओपन कर लिया था कि इसको टेस्ट करने के लिए, कि तभी आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ। पहले इसको खुद टेस्ट किया है, और ये सारा सारा कवर आता है, और इसके अंदर भी ना कवर होता है, वो मैंने उतार दिया। तो भाई यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं, और बहुत ही छोटू सा, मतलब बहुत ही पतला सा है, मतलब आपकी जेब में भी आ जाएगा आराम से। तो ये कुछ इस तरीके का आपका ये डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली इसको कुछ इस तरीके से करना है, और ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, आप गैस करो कि यहाँ पे क्या है। कि यहाँ पे हमारे पास है एक ब्लूटूथ रिमोट, ठीक है, और यहाँ पे ब्लूटूथ रिमोट है। इसको निकालना कैसे है, पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था। तो सिंपली आपने करना है कि सबसे पहले तो अपनी सेल्फी स्टिक को बाहर निकालना है ऐसे, ठीक है, हल्का सा, और फिर आपने इस रिमोट को बाहर निकालना है। मतलब कि आप कोई अच्छा व्यू ले रहे हो, या आप कुछ अच्छी चीज़ ले रहे हो, बहुत ही आपका दूर फ़ोन है सेल्फी स्टिक के ऊपर लगाया हुआ है, तो आप इस रिमोट से यहाँ से बटन दबा के अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो, अपनी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। सो दोस्तों, इसको वापस लगाते हैं इसके अंदर रिमोट को, और ये आपका रिमोट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको आपको ऐसे खोलना है, और आपकी जो लेंथ होगी अपने अकॉर्डिंग आपने सेट कर लेनी है अपनी सेल्फी स्टिक की। तो सबसे मेन चीज़ इसकी क्या है कि ये काफ़ी पोर्टेबल है, और यहाँ पे इसको करते हैं हम बंद, ठीक है। अब भाई इस पर फ़ोन लगाना कैसे है, तो सबसे पहले तो ये ट्राईपॉड का भी आपको काम देगा। अगर आप कोई ट्यूटोरियल शूट कर रहे हो, या आपके पास कोई बंदा नहीं है, आपको एक स्टैंड चाहिए, तो सिंपली आपने यहाँ से इसको ओपन करना है, ठीक है, और ये आपका खुल जाएगा, और इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना फ़ोन लगाना कैसे है, तो फ़ोन को लगाने के लिए सबसे पहले तो अपने फ़ोन का मैं कवर उतार दूंगा, क्योंकि यार फ़ोन का कवर लगा के ना फ़ोन काफ़ी मोटा हो जाता है, तो गिरने का ना खतरा सा बन जाता है, और उसको ना मतलब पकड़ नहीं मिलती प्रॉपरली। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है। अब जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको आपने बाहर निकालना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपके होल्डर्स बाहर आ जाएंगे। मीन्स कि सारा का सारा ना बहुत ही कमाल के इसके अंदर क्या है कि पोर्टेबल है सब कुछ। सो अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर अपना फ़ोन लगाऊंगा। तो फ़ोन लगाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आऊँगा अपना फ़ोन, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल मजबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका गिरेगा फ़ोन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छी पकड़ है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपनी व्लॉगिंग कर सकता हूँ, सिनेमैटिक शॉट भी निकाल सकता हूँ, और क्या होता है कि मुझे स्टेबल वीडियो भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे हाथ में ग्रिप होगा प्रॉपरली। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास सामने फ़ोन है, और इस रिमोट को मैं कनेक्ट करूँगा फ़ोन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स के अंदर, और मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर चलते हैं ब्लूटूथ के अंदर, और ब्लूटूथ को मैं ऑन करूँगा, और यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई यार हमें शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा। तो फिलहाल इसके बटन को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करोगे, इसके बटन को आपको लगातार दबा के रखना है, और यहाँ पे आपको एक लाइट शो हो जाएगी, ब्लू लाइट एक ब्लिंक करेगी आपकी, ठीक है। और जैसे ये लाइट ब्लिंक करेगी, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेल्फी कॉम करके, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पर आ जाएगा कि मुझे इसके साथ इसको पेयर करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर टिक लगाऊंगा, और यहाँ से कर दूंगा पेयर। तो यहाँ पर ये पेयर हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेल्फी कॉम कनेक्टेड आ रहा है, मतलब कि अब मेरा रिमोट मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसके साथ वीडियो को शूट करके आपको दिखाता हूँ कि रिमोट की रेंज कितनी है और कैसे ये काम करता है। तो अब मैं आपको इसका सैंपल शेयर करता हूँ कि अगर हमारे हाथ में एक सेल्फी स्टिक होती है, तो उसकी वजह से कितना अच्छा फ्रेम हमारा बन जाता है। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पे हमारा फ़ोन प्लेस हुआ है इसके ऊपर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अपना ये रिमोट, ठीक है। और थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, और यहाँ पर जाके इसको मैं ऑन करता हूँ इस रिमोट से। सो आसपास शोर भी काफ़ी आ रहा होगा, क्योंकि आसपास ना काम हो रहा है। और अगर आपके पास वाइड एंगल लेंस नहीं है आपके फ़ोन के अंदर, तो आप इस सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड को यूज़ करके भी वाइड एंगल लेंस जैसा मतलब कि फ्रेम बना सकते हो। आप देख रहे हो कि आप पीछे बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, मेरा फेस भी दिख रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक वाइड एंगल लेंस का यूज़ कर रहा हूँ। और इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको थोड़ा सा लेके भागते भी हो तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वीडियो आएगी, जैसे कि मैं आगे पीछे हो रहा हूँ।
तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्टेबल आएगी। तो इससे आप स्टेबल वीडियोज़ भी शूट कर सकते हो, सिनेमैटिक वीडियोज़ बना सकते हो, और व्लॉगिंग में आप नेक्स्ट लेवल की व्लॉगिंग कर सकते हो। आप सपोज करो कि आप किसी अच्छी लोकेशन पर गए हो और आपका फ़ोन जस्ट इतना ही है और पीछे का व्यू आपका कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है कि इसको यूज़ करना है और अपने अकॉर्डिंग इसकी हाइट आपको एडजस्ट करनी है और आप अच्छे से व्लॉग कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको इसकी फुल लेंथ शो हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ तक ये मतलब कि आपका छोटा सा ट्राईपॉड भी, मतलब कि अगर आपके पास छोटा ट्राईपॉड नहीं है तो छोटा ट्राईपॉड होने की कमी भी ये पूरी कर देगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस इसका आपको 500 के आसपास मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे मैंने डाला होगा माई सेल्फी स्टिक करके, ठीक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं व्लॉगिंग के ऊपर इसी के ऊपर टिप्स लेके आने वाला हूँ और इससे हम कैसे सिनेमैटिक शॉट्स निकाल सकते हैं। जो बंदे गिम्बल नहीं ले सकते, जो बंदे मतलब चाहते हैं बिल्कुल लाइट सा सेटअप उनके पास हो, ज़्यादा मतलब वो टेक्निकल बंदे नहीं है, जस्ट उनको स्टार्टिंग अभी करनी है, तो उनके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आने वाला हूँ। सो भाई ये थी हमारी आज की सेल्फी स्टिक विद ट्राईपॉड प्लस ब्लूटूथ वाली, काफ़ी सारे फीचर्स है भाई इसमें, तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, खुद पैसे दिए हैं और मैं वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वही चैनल के ऊपर आपको दिखता है बार बार, और इससे आप बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। अगर आप व्लॉगर हो तो भाई इसको ज़रूर बाय कर लेना, व्लॉगिंग के अंदर बहुत ही आपको काम आने वाली है, क्योंकि व्लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि कई फ़ोन्स के अंदर सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए वाइड एंगल लेंस नहीं होता है, तो आप इससे एक वाइड एंगल लेंस जैसा शॉट भी ले सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए थैंक यू।